दोस्तों, पाब्लो एस्कोबार का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। ये एक लेजेंडरी क्रिमिनल था, मतलब था तो क्रिमिनल, पर पाब्लो एस्कोबार ने छोटी सी जिंदगी में क्राइम की वो अचीवमेंट हासिल कर ली थी कि आज उसका नाम ब्लैक हिस्ट्री में शामिल है। ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसके पास इतने पैसे थे कि जब उसकी बेटी को सर्दी लग रही थी और आसपास चलाने के लिए लकड़ी नहीं थी, इसलिए उसने अपने $2 मिलियन जला दिए और अपनी बेटी को सर्दी से बचाया। पाब्लो एस्कोबार जिस घर में रहता था, मुझे लगता है वो घर नहीं, एक पूरा का पूरा शहर ही था। यूँ तो इसके पास अलग अलग देशों में कई घर थे, जैसे कि USA, मेक्सिको, कोलंबिया जैसे शहरों में रहता था, ताकि ये पुलिस से बचकर अलग अलग जगहों पर छुप सके। पर उन्हीं में से उसका एक घर था जिसका नाम नेपोलिस गेट्स था। इस घर में 27 से भी ज़्यादा जिले थी और इसके अंदर हेलीपैड से लेकर पूरा का पूरा रनवे भी मौजूद था। इस घर में करीब 1700 एम्प्लॉयज काम करते थे, जो पाब्लो एस्कोबार की रियल लाइफ में मेंटेन करते थे। इस घर में पार्क के अलावा 2-3 जू भी थे और इन जू में बहुत सारे एनिमल्स थे। पाब्लो एस्कोबार शायद एक लौता शख्स होगा जिसके घर के सामने प्राइवेट जेट के अलावा खुद का फाइटर जेट भी मौजूद था। जी हाँ, पाब्लो के पास खुद का एक प्राइवेट फाइटर जेट भी था, जो शायद उसने अपनी सिक्योरिटी के लिए रखा था। दोस्तों, डॉग्स और कैट्स को पेट बनाने का शौक तो बहुत से लोगों का होता है, पर पाब्लो काफी यूनिक शौक रखता था। इसके पास पेट के रूप में हिपोपोटेमस थे। उसके 3 जू में उसने बहुत सारे इलीगल एनिमल्स रखे थे, जैसे कि लायन, एलिफेंट्स एंड स्पेशल हिपोपोटेमस। ये जू काफी बड़े थे, इसलिए पाब्लो ने इसे पब्लिक के लिए खोल दिया था। उसके थ्रू वो अपना बिजनेस भी बढ़ा रहा था। पर जब पाब्लो एस्कोबार की मौत हुई, तब गवर्नमेंट ने सारी प्रॉपर्टी को अपने हवाले कर लिया और सभी एनिमल्स को अलग अलग देशों के जू में भेज दिया। जब गवर्नमेंट के मुताबिक वो जेल जाने को तैयार हुआ, तब उसने गवर्नमेंट के सामने एक शर्त रखी कि जिस जेल में वो जाएगा, उस जेल को वो खुद ही बनाएगा। गवर्नमेंट ने वो शर्त मंजूर ही कर ली। इसने उसी जेल में कोलंबियन फुटबॉल की टीम को बुलाकर उनसे फुटबॉल खेला। और गवर्नमेंट को जब ये पता चला कि पाब्लो जेल में बैठे हुए भी अपना काम कर रहा है, तब गवर्नमेंट ने उसके एनकाउंटर का सोचा। लेकिन जब गवर्नमेंट वहां तक पहुंची, तब तक वो फरार हो चुका था। अब बात आती है कि वो अपने पैसे रखता कहां था। जरा सोचिए कि आपकी कमाई हर दिन लगभग $60 मिलियन हो, वो भी कैश में, तो आप इसे कहां रखेंगे? तो इसलिए पाब्लो के हजारों करोड़ रुपए या फिर उसकी टोटल कमाई का 10% चूहे कुत्तर का डालते थे। उसने सब पैसों को रखने के लिए रबर बैंड का सहारा लिया। वो इतनी ज्यादा तादाद में रबर्स को यूज करता था कि सिर्फ नोटों की गड्डियां बांधने में उसके $2500 यानी लगभग 1,80,000 रुपए केवल रबर्स खरीदने में खर्च हो जाते थे। पाब्लो एस्कोबार तो उस समय का रोबिन हुड भी माना जाता था। पाब्लो एस्कोबार के पास दुनिया की सभी फैसिलिटीज मौजूद थी सिवाय सुकून की, क्योंकि उसने जो इलीगल काम किया था उसकी वजह से वो अपनी फैमिली के साथ काफी समय बिता नहीं सकता और हमेशा इधर से उधर भागता रहता था। खैर, पाब्लो की मौत केवल 44 साल की उम्र में ही 1993 में पुलिस के साथ मुठभेड़ में ही हो गई थी, पर उतने कम समय में उसने क्राइम की दुनिया में वो ब्लैक हिस्ट्री बना दी थी कि आज भी उसके ऊपर बहुत सी मूवीज बनती आ रही है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना।